अभिनेता रणवीर सिंह की आगामी फिल्म 83 जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। 1983 के जीते गए वर्ल्ड कप की कहानी पर बनी फिल्म पर पूरे हिंदुस्तान की निगाहें टिकी हैं। फिल्म की रिलीज से पहले रविवार को मुंबई में 83 की स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। इस स्क्रीनिंग में फिल्म के निर्देशक कबीर खान सहित कई सेलिब्रिटीज शामिल हुए। कबीर खान का फिल्म के बारे में कहना था, ऑब्वियसली देखिए ट्रेलर फर्स्ट कम्युनिकेशन होता है, तो ऑब्वियसली अगर ट्रेलर लोगों को पसंद आया तो एक इंटरेस्ट आता है, वो तो पिक्चर देखना चाहते हैं। तो हाँ, हमारे ट्रेलर को बहुत ही ज़बरदस्त एक रिस्पांस मिला है। ऐसा रिस्पांस मेरे को तो कभी याद नहीं है अपनी ज़िंदगी में कि ऐसा रिस्पांस आया था। तो इसका मतलब है कि लोगों को पिक्चर का जो एक आइडिया है, जो एक यू नो स्पेस है, वो अच्छा लग रहा है, कहानी अच्छी लग रही है, तो होपफुली लोग आएंगे उसको। नहीं देखिए, सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं है, एक हिस्ट्री जो अभी भी जो भी 40 साल की उम्र के ऊपर हैं उनके जहन में बहुत क्लियरली उनको याद है। जो 40 50 60 साल के लोग हैं उनके आप पूछिए कि उस दिन आप कहाँ थे, उन सबको याद है कहाँ थे, कब यू नो कपिल देव ने जब कप उठाया था वो क्या कर रहे थे, और मैचेस भी बहुत अच्छी तरह याद है। तो ऐसे एक जो एक रीसेंट हिस्ट्री होती है और इतना आइकॉनिक मोमेंट जो होता है उसको रिक्रिएट करने में ऑब्वियसली एक चैलेंज होता है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि लोगों को एग्जैक्टली डिटेल्स मालूम है, किस किस्म के कपड़े पहनते थे, क्या बॉलिंग एक्शंस होते थे, बैटिंग स्टांस क्या होता था, तो वो सब रिक्रिएट करने में ऑब्वियसली बहुत ही एक अटेंशन टू डिटेल करना पड़ता है। लेकिन इस सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जिस तरीके से पूरी हिंदुस्तान में एक जो एक खुशी आई थी 25 जून 1983 को, वही खुशी क्या हम थिएटर में रिक्रिएट कर सकते हैं, वो हमारा एक एफर्ट है। नहीं देखिए, अभी तो बिल्कुल ही रणवीर, लोग कहते हैं कि उनको तो रणवीर सिंह दिख ही नहीं रहे, सिर्फ कपिल देव दिख रहे हैं। सबसे बड़ा मुझे जो कॉम्प्लीमेंट आया था वो कीर्ति आज़ाद जो 1983 टीम के मेंबर हैं, उन्होंने बोला कि मैंने जब ट्रेलर देखा तो मुझे कुछ हिस्सों में सिर्फ मेरा कप्तान दिखाई दे रहा था, मुझे रणवीर दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों को एक ऐसा उन्होंने इस किस्म से उसको रिसीव किया। लेकिन जब हम पिक्चर शुरू कर रहे थे, मैंने रणवीर को बोला था कि ये लुकर लाइक कॉन्टेस्ट नहीं है, इतना नहीं हमें सोचना चाहिए कि आप कपिल की तरह लग रहे हैं, बिकॉज आप सबको मालूम है कि आप एक एक्टर हो जो कपिल देव को पोर्ट्रे कर रहे हो। आई थिंक रणवीर ने जो किया है जिसकी वजह से वो उनकी तरह लग रहे हैं, उन्होंने जो एक्सप्रेशन जो उन्होंने पकड़ा है, जो बोलने का स्टाइल पकड़ा है, सिर्फ लुक से ज़्यादा वो एक इम्पैक्ट आता है। जिस तरीके से वो बोल रहे हैं बिल्कुल कपिल देव की तरह, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग एक्शन कपिल देव का, सब जो क्रिकेट जानते हैं कहते हैं कि दुनिया में सबसे मुश्किल एक एक्शन है, लेकिन वो रणवीर ने किया है। 5 महीने उन्होंने मेहनत करी है, हम नहीं जुहू में ट्रेनिंग करते थे, यहाँ पास में कैंप है, रोज़ 5 महीने के लिए 4 घंटे क्रिकेट खेलते थे, वो आसान बात नहीं है। और ऑफकोर्स हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि कपिल देव खुद उनको आके ट्रेन करते थे कि इस तरीके से अब तुम बोल करो, और उन्होंने पास किया कि हाँ अब तुम मेरी तरह बोलिंग कर सकते हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात। हालांकि इस स्क्रीनिंग में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को नहीं देखा गया। अभिनेता ताहिर राज भसीन भी स्क्रीनिंग में शामिल हुए। निर्माता साजिद नाडियाडवाला भी स्क्रीनिंग में पहुंचे। साथ ही कोरियोग्राफर और निर्माता अहमद खान भी अपने परिवार के साथ स्क्रीनिंग में शामिल हुए। अभिनेत्री सई माजरेकर भी स्क्रीनिंग में पहुंची। हिमेश रेशमिया भी यहां अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। अभिनेता सुनील शेट्टी, डायना पेंटी, चंकी पांडे, रिया चक्रवर्ती सहित कई अन्य सेलिब्रिटीज भी स्क्रीनिंग का हिस्सा बने। महामारी के कारण कई बार इस फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन हुई है। हालांकि अब ये फिल्म फाइनली 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। फिल्म में रणवीर सिंह ने कपिल देव की भूमिका निभाई है। इसके अलावा फिल्म में पंकज त्रिपाठी, आर बद्री, एमी विर्क, साहिल खट्टर, निशांत दहिया, दिनकर शर्मा, चिराग पाटिल, ताहिर राज भसीन भी लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे।